उसी के साथ में मैं चाहूंगी कि कीर्ति कुल्हारी, जिन्होंने कि हमें दंग छोड़ दिया है इस ट्रेलर के बाद, आप भी प्लीज स्टेज पर आए. प्लीज, व्हाट अ वंडरफुल डायलॉग दैट वाज ट्रेलर में. इससे पहले कि मैं मुझे ऐसा लगा कि हमेशा एक होता है कि मैंने जितनी फिल्म बनाई बॉम्बे सेंट्रिक रही है और हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड या ट्रैफिक सिग्नल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाया है, या बॉलीवुड की हम बात करें, तो मुझे लगा कि हमेशा एक पीरियड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि बनाना चाहिए. और 70s का मैं बड़ा फ़ैन हूँ. एक आर डी बर्मन हुए, किशोर दा हुए, लता दीदी हुए, उनके गाने हमेशा भी ग्रोन अप ऑन 70s थिंग. एंड मी एंड माय राइटर अनिल, वी वर सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग क्या करना चाहिए क्या. एंड सडनली द आइडिया पॉप्ड आउट के इमरजेंसी बैकड्रॉप एक फिल्म बनाते, अभी तक किसी ने बनाई नहीं, और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं, और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है वो. और मुझे लगा कि 70s है, अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना, दिल्ली खास करके, वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का. तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की, आज की जनरेशन को, खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान 21 मंथ की जो इमरजेंसी थी, वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है. हालांकि पॉलिटिकली काफ़ी पिछले 5-6 साल से, जब से सोशल मीडिया आया है, तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है. तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे, और ये कॉन्सेप्ट हमने वर्कआउट किया इस पे, और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे, और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड पिक्चर बनाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस. जहाँ तक आप पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेकर फिल्म में, इट इज़ समथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हर फ्रॉम द बिगिनिंग. आई मीन, ट्रेलर है सो यू ओनली सी ग्लिम्सिस ऑफ द होल कैरेक्टर्स जर्नी इन दिस. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पैराडॉक्स नहीं है, एक फुल जर्नी है इंदु सरकार की, फ्रॉम द टाइम दैट शी वॉजंट अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और पावरफुल और स्ट्रांग वुमन. शी ऑलवेज वॉज प्रॉबेबली, बट शी डिडंट नो शी वॉज. सो स्टैमरिंग की जहाँ तक बात है, ऑफकोर्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंदु सरकार इन द फिल्म, एंड मेरे ख्याल से वो सबसे मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत स्टैमर को मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ उसमें गई है. सो यस, आई थिंक वेन यू सी द फिल्म, इट विल टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ इंदु सरकार, एंड यू विल वेरी वेरी ईजिली बिलीव द ग्रोथ दैट दिस कैरेक्टर हैज़ इन द फिल्म थ्रू वॉट यू सी इन द फिल्म. इन शॉर्ट, आई कैन से दैट आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स, बट दीज 22-24 डेज दैट आई हैव स्पेंट विद मधुर जी वॉज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ. वाओ, इन टर्म्स ऑफ माई एंड एन आर्टिस्ट. क्या बात है मधुर जी. एंड व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर? All I can say that Madhur ji gave me a very specific brief as to what Naveen Sarkar is supposed to be like, and I just stuck to my brief. I am in the habit of listening to my director only, and only to the director. And of course, there was Sanjay ji and Anil ji, our scriptwriters, and they also tutored me in the how the character would be like. So I kept that in mind and listened to what Madhur ji had to say. First of all, congratulations! It's a mind-blowing trailer. It's very powerful. वेरी जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाला. एंड एज अ सिनेमा गोअर आई थिंक इट्स गोइंग टू डू ब्रिलियंटली वेल बेस्ड ऑन द फिल्म, एंड एवरीबडी इज़ डन अमेजिंग वर्क. 12 फिल्में बना चुके हैं मधुर भंडारकर साहब जी, और हर फिल्म के बनाने से पहले मैं इनको बोलता था फ़ोन करके खुद के सामने से कि मधुर जी फिल्म में ले रहे हो कि नहीं ले रहे. You can ask him. Yeah. He is witness to this. Every film, whether I had done 400 films, 380 films, 500 films, I used to pick up the phone the moment, and usually it was Ashok ji who used to say ki shuru kar raha hai film. To wo mere gupchar vibhag ke hain, wo har jagah ki khabar mere ko dete rehte hain. To har film ke shuruaat hone se pehle inko ye writer ko bulate honge, aur maine har film se pehle inke sath struggle kiya hai. So and I'm saying it proudly. I think that's why I can do so much work, because the directors that I want to work with, there is no smallness about going and asking for work.
I think the whole homework was done by Madhur and his brilliant writers. We didn't have to do anything. We just needed to believe that what he has believed in, that we have to perform. So to say ki humne kuch zyada kiya, and luckily for me it was more exciting because I have 3-4 different get-ups in the film because of the story. Jahan tak 70 ki baat hai, nobody lives any era or any years thinking ki aaj se 40 saal baad main is era ko dobara dekhne wala. Ji, bilkul. We have lived those eras. We have lived those years. Aaj se 20 saal baad agar 2017 pe koi film banegi, to I will not say, "Are, I lived those 17 years." But it's very, very gratifying to be part of good cinema. And as you very correctly said in your introduction, ki it's the power of a woman that is reflected so brilliantly. So, and the background is emergency. Luckily, aajkal kya hai ki Indian cinema has reached a stage where audiences do understand cinema. You just have to make them believable. So, congratulations. Well done. मेरे दोस्त 12वीं फिल्म में आपने मुझे ले लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्त. And I'm like a bad habit now. He is not going to make a film without me. Commitment ले लिया है सर. Well, 1975. I wasn't born in 1975. I was born in 1982. So the first time sir called me to the office and narrated me a synopsis, I said definitely, because I was very, very bad in history as a student. So this was my my chance to go back in time and probably study something that I wasn't aware of as much and I didn't know a lot of. So during the 15-day session that we had with him every day for about an hour, 2 hours, he would, you know, kind of tutor me through the entire series of events that happened in 1975, and that really attracted me towards the film as well. As far as the look is concerned, I was extremely skeptical to begin with. We first initially thought that we'll probably shave off the head and try and see if we can, you know, just recreate the look by actually going bald. And I was ready to do that, but unfortunately I had commitments of two other films at the same time. और आप शादी भी करने वाले थे? और जी हाँ, और मेरी शादी होने वाली थी. ये सच है. तो उस समय I just requested him if he could do something else. So we tried prosthetics. So the entire makeup team, Vikram sir, my entire team, Vaseem bhai, Vicky, all of us, we all sat down and we sat in the office for about 6-7 hours and slowly went into stages and created the look. And once that was done, I got a little confidence. And then, of course, the script came. Sanjay ji's lovely dialogues were there. And then I think he gave me a free hand and said, "Okay, just recreate the character." And thank you, sir. Thank you so much. It's my second film with him. And yeah, I'm extremely proud that, you know, I feel very thankful to you and grateful that you, you know, consider me to be a part of this film. ऐसा नहीं है कि जिनके बाल नहीं होते उनकी शादी. I was waiting for that. हाँ, काफी बुक्स पढ़े, जैसे कि कुलदीप नायर साहब की अनटोल्ड इमरजेंसी एक बुक है, कुमी कपूर जी की बुक है द इमरजेंसी, और शाह कमीशन पढ़ा, और काफी काफी स्मगलर्स ऑफ एक इमरजेंसी पे बुक है, काफी चीज है. तो ऐसे रिसर्च किए, फिर नेहरू सेंटर में मुझे बहुत हेल्प मिला. नेहरू सेंटर और आर्काइव्स है दिल्ली में, वहाँ पे मैं और अनिल पांडे जी हम वहाँ पे गए, बैठे कम से कम 2-3 महीना, वहाँ पे हम लोग काफ़ी मटेरियल मिला, और इसको थ्रू इवेंट्स पे रख के हमने इसको फिक्शन कैरेक्टर ऐड किया है. कीर्ति का जो कैरेक्टर है, टोटा जी का कैरेक्टर है, बाकी कहीं कैरेक्टर्स है पिक्चर में, कहीं से इंस्पिरेशन काफ़ी मिला. सो फार तो आई डोंट नो, आई होप सेंसर विल बी वेरी लीनियंट टू दिस फिल्म एंड पास दिस फिल्म, बिकॉज आई डू एप्रीहेंसिव होता कभी कभी, बिकॉज सेंसर हैड्स प्रॉब्लम पहले भी होता है, एंड खास करके पॉलिटिकल फिल्म होती है. तो सो फार तो ट्रेलर तो पास हो गया, तो आई होप के पिक्चर भी इसको पास हो जाए बोल के. सर वो रेफरेंस कैरेक्टर्स का था जो हमारी फिल्म में. जो आप सोच रही हैं वो सब लोग बैठे सोच रहे हैं. कुछ बातों के बारे में बोलना जरूरी नहीं है, आपका सवाल में अपने आप ही जवाब है. अच्छा. And Neil. Well, the day I started my career as a child star, actually, I started my career with Anupam uncle.
So ever since then I've been very happy. I'm extremely happy being. देखो child star में के uncle बुलाते थे ठीक है. अब शादीशुदा हो. थोड़े दिन में बच्चे हो जाएंगे. अब मुझे uncle से refer नहीं करो तो अच्छा. मेरे senior हो मधुर भंडारकर की film में. एक film ज़्यादा कर चुके हो. Well, I'm just very proud being a part of this industry. I'm born in this beautiful family of creators and makers. Well, after marriage, I'm just hoping that Rukmini is even more proud. And this definitely is a very challenging subject for me also. So I'm hoping that the audience appreciates it and appreciates our hard work. Thank you. Well, 70-30, pakad lo. 70% is fiction and 30-40% would say real. जो inspired है जो जिसके बारे में documentation है या उसके बारे में बोला गया या किताबों में लिखा गया है. Definitely emergency का backdrop अगर film बनाओगे तो कहीं ना कहीं जाके इसको एक inspiration तो मिलता ही है. तो काफी चीजें से आप correlate करोगे जब आप totality में इसको picture को देखोगे. तो अजीज दादा का गाना इसलिए चुना क्योंकि मेरे ख्याल से 70s में ढलता सूरज धीरे धीरे जितना popular गाना था वो मुझे रिक्रिएट करना था और हमारी जो म्यूज़िक कंपनी सारे गामा से हमारा टाइप हुआ है तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा गाना जो रेट्रो हो जो पॉपुलर हो. मेरे ख्याल से अजीज़ नादा साहब की जो कवाली है वो एक बड़ी फिलोसॉफी को लाता है चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो. मेरे ख्याल से वो जो फिलोसॉफी सबके लिए वो लागू होती है इसलिए वो पॉपुलर कवाली मैंने चुनी क्योंकि एवरीबडी रिलेट्स टू इट चाहे इन विच एवर फील्ड ही इज़. सो आई थिंक दैट कवाली इज़ वेरी मच रेलिवेंट इन द फिल्म ऑल्सो. वेल आई डोंट नो बट यू नो आई थिंक लाइक आई सेड इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट प्लान्ड और समथिंग कि अगर यूपीए गवर्नमेंट है तो हमने बनाया एनडीए की गवर्नमेंट है हम बनाया. इट्स नथिंग लाइक दैट. यू जस्ट फील के लाइक दैट कि एनी फिल्म आई फिल्म फॉर मी बैनिंग एनी फिल्म ऑफ बुक एनीथिंग इट्स शुड नॉट बी डन एनीथिंग. आई थिंक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो दैट हैज टू बी इन हॉलीवुड वी सी सो मेनी फिल्म्स बी लाइक आई राइट एक्चुअली आई वाज अबाउट टू से अ रेफरेंस लाइक टाइटैनिक फॉर एग्जांपल यू नो he so recreated a film Titanic yeah. with a very nice JFK with so many nice movies. You know so I think mujhe aisa lagta hai kisi cheez pe pabandi aisi honi nahi chahiye and everybody has this right to you know I mean interpretation hona chahiye us film ka. Jaisa maine pehle kaha tha ki is film ka jo sabse is character ka jo sabse difficult part mujhe personally laga was to get the stammering right. तो मेरी शुरुआत क्योंकि मैं उसी को लेके सबसे ज़्यादा नर्वस थी यू नो परेशान थी. आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज स्टैमरिंग वीडियोज टू बिगिन विथ. जब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगा देन आई मेट अप विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है इन द फिल्म माई कैरेक्टर इंदु लूजेज हर पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज तो मुझे समझना था साइकोलॉजिस्ट से कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप खो देता है एंड स्पेशली इफ अ चाइल्ड हैज़ अ स्पीच इम्पेडिमेंट यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाउ डज इट अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजिकली इमोशनली मेंटली थ्रू द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड ऑफकोर्स हाउ ही और शी शेप्स अप एज एन अडल्ट. सो दैट्स समथिंग दैट आई अंडरस्टूड फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट. उसके बाद माई most important and final step was to meet a speech therapist and I met her and I sat through the whole film. We decided now stammering in itself is such a vast subject like there are so many different kinds of stammering ki hame freeze karna tha hame zero upon karna tha ki aisa kya hai jo main cinematically कैरी कर सकती हूँ थ्रू द फिल्म. समथिंग दैट लुक्स कंसिस्टेंट समथिंग दैट डजंट लुक फेक समथिंग दैट पीपल डोंट लाफ एट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक मधुर इन इज जो हमें ब्रीफ मिला था ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि स्टैमरिंग ऐसी ना हो कि इस तरह से ना हो कि लोग हंसें उस पर बिकॉज इट जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम द होल पर्पज ऑफ द कैरेक्टर एंड द होल फिल्म. सो ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आई मेट विद थेरेपिस्ट एंड आई हैड अ कपल ऑफ सेशंस विद हर एंड कर करा के ऑफकोर्स आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग ऑन माई यू नो बाय माई सेल्फ. तो आई थिंक दैट समथिंग दैट वेंट इन टू द स्टैमरिंग बिट ऑफ इट. उसके अलावा ऑफकोर्स द रिसर्च इन टर्म्स ऑफ माई कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ माई लुक इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स मेकअप वॉज सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम मधुर एंड हिज होल टीम की उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ा या नहीं ऐड करना पड़ा. एंड
आई थिंक अप्रोच अगर मैं बताऊं कि मैंने कैसे किया इस कैरेक्टर को, तो आई थिंक द प्रोसेस इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ आई वुड प्रोबेबली हाउ आई वेंट अबाउट इट इन पिंक और एनी अदर फिल्म ऑफ माइन. सो द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस, द ग्राफ वॉज लाइक आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर एनी कैरेक्टर इन टुडेज टाइम्स. सो Yeah, all of these things put together, I think it's turned out well. मैंने इतनी फिल्में की हैं कि अब मेरे को उस तरह के रिसर्च की जरूरत नहीं होती है. इन्होंने लाइनें दी, मुझे थोड़ी समझ में आई, बाकी इनका काम था. उससे मेरी एक्टिंग कुछ अलग नहीं हो जाने वाली थी कि पहले मुझे बताओ कि इसकी उम्र क्या है और इसके अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं. Yes, that's what I said. The script was so complete and the characterization was real. And Madhur ki filmon ki khasiyat ye hai ki realistic performances ke saath saath it looks larger than life the way he conceives the scenes. So I'm sure Nana ji's character is based loosely or inspired loosely on certain people at that time in 70s. Ki wo human story jo hai Kirti ki jo hai wo fictional hai. लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं उस दौरान 1975 और 77 के बीच में, इमरजेंसी को लेकर आप विकिपीडिया में भी देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की है, तो वो हकीकत है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते. क्या आप इमरजेंसी डिनाई कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना. जो आपातकाल हुआ था, घटना हुई थी जून से लेकर 1977 तक, 75 से 77 तो हुई थी, तो उसमें आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी. वो तो हकीकत है, वो तो उसी में, वो तो दिखाया उसमें. तो मुझे नहीं लगता, अगर I think announced also officially announced and it is in papers, it is documented. Shah Commission है जैसे मैंने कहा, कहीं ऐसी चीजें हैं, दस्तावेज है जिसके अंदर वो उनका चीजों का दिखाया है कि क्या है बोल के. पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले, दो महीने पहले रिलीज करता पिक्चर को, इलेक्शन से पहले. अगर इस तरह से मुझे लगता है, या पांच स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर. अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है, तो 28 जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है. तो जहां तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है. मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, कोई भी सरकार हो, मैंने बोला किसी फिल्म, मेरी कंटेम्प्रेरी की फिल्म ही हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का बैन होता है या इस तरह से, जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था बैन, तो मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन है या उड़ता पंजाब हाल ही में. सिंस यू स्पोक अबाउट ब्लैक फ्राइडे, आई वाज द सेंसर चीफ हु पास्ड इट विदाउट एनी कट्स, बिकॉज़ अनुराग कश्यप हैड कम टू मी and I said this film should be passed, and this is officially I'm announcing it. I was the one personally who saw the film and that said, Anurag Kashyap, you can ask him that this is the film should be passed without any cuts. So there are and also I think people don't put money. Bharat bhai ne bahut filmein banayi hain, they don't look at it from a political point of view, they go by the story. And then authentically, if it works, I think in cinema hall, if I may allow, in cinema hall, nobody goes as a, to watch a film as a left winger or a right winger or this religion, that religion. They go to the audience, and if it emotionally connects with you, the film, then whatever it is, it works. It works. And if it does not work, then it does not work. Then you can attribute it to various reasons. I feel like answering this question by saying Bharat Mata Ki Jai. Yes. And what about you, ma'am? How do you am not really into cricket. The only time I watch a match, cricket match, is World Cup when it's India-Pakistan. But honestly, right now I'm more in tune with Indu Sarkar than what's happening in the cricket. इनका तो ये हाल है कि अगर एक भूखे से पूछो दो और दो कितने, वो कहता चार रोटियां. तो राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मधुर सर. थैंक्स टू अनु मलिक सर, जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया है, नितिन चंद्रकांत देसाई जी, दीज आर द हीरोज, रियल द हीरोज. एंड मेरे ख्याल से नितिन देसाई के जो सेट हम लोगों को जो आपने क्रिएट करके दिया, जो दिल्ली है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंड अनु मलिक साहब, जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया, थैंक यू सो मच फॉर द रेट्रो. एंड भरत भाई शाह, जिनके वजह से ये पिक्चर यहाँ पे, थैंक यू भरत भाई, थैंक यू. And all the technicians. 4th of July ko, when you go and watch this film.
Thank you.